सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी है उसका तेल का व्यापार, और इसी को तोड़ने की कोशिश की है यमन के हूती विद्रोहियों ने। रविवार को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल उद्योग के केंद्रों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें रास तनुरा में एक सऊदी अरामको कैंपस भी शामिल है। अरामको यानी सऊदी अरब की ऑयल कंपनी, जो सऊदी अरब के तेल उत्पादन और उसके निर्यात का केंद्र है। सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के इस हमले को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर एक असफल हमला करार दिया। सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के इस हमले के बाद क्या हुआ? हूती विद्रोहियों के इस हमले के बाद यमन में सऊदी की अगुवाई वाली सेनाओं ने हूती विद्रोहियों पर जमकर पलटवार किया। हूती विद्रोहियों को यमन में ईरान का समर्थन मिल रहा है। सऊदी अरब ने युद्ध की आग झेल रहे यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए। हूती सैटेलाइट टीवी मशीरा ने बताया कि अतन और अल नहदा में कम से कम 7 एयर स्ट्राइक की गईं। इससे पहले हूती हमले के बाद सऊदी अरब को अस्थायी रूप से आधे से अधिक तेल उत्पादन को बंद करना पड़ा था, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $70 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। फरवरी 2020 में दुनिया में कोरोना का असर शुरू होने के बाद से पहली बार कच्चे तेल का दाम इस स्तर पर जा पहुंचा है। गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट में कच्चे तेल का दाम जल्द ही $80 प्रति बैरल पर जाने का भी अनुमान लगाया गया है। यमन में राजधानी सना समेत ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने वाले हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि रविवार को सऊदी के दमाम, असिर और जज़ैन शहरों में सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सराय ने रविवार को कहा कि समूह ने एक बड़े ऑपरेशन में सऊदी अरब के केंद्र में 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर सीमा पार हमले ऐसे समय किए हैं जब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र युद्ध को समाप्त करने के लिए रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सऊदी अरब पर हुए कई मिसाइल हमलों की निंदा करता है, जबकि उन्हें सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से यमन में किए गए हवाई हमलों पर भी चिंता है। इस तरह की कार्रवाइयों से संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता के प्रयासों को नुकसान पहुँचता है। सभी पक्षों को मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हूती विद्रोहियों की सऊदी से क्या दुश्मनी है। हूती विद्रोही यमन की सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। करीब 6 साल पहले हूती विद्रोहियों ने यमन के अधिकतर उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जबकि सऊदी और ईरान का 36 का आंकड़ा है। साथ ही यमन की सरकार के समर्थन में सऊदी की अगुवाई वाली सेनाओं ने यमन से हूती विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए उन पर बम बरसाए। इसकी वजह से अब तक 130,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 12,000 नागरिक भी शामिल हैं। साथ ही इस युद्ध की वजह से यमन में मानवीय संकट पैदा हो गया है। सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक्स के कारण यमन में हुई बड़े पैमाने पर नागरिक मौतों की वजह से सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है।